क्या देखा? रात दरबार लगा हुआ था, रात दरबार लगा हुआ था, महाराज अपने उचित स्थान बैठे और महाराज के दाहिने तरफ महामंत्री जी बैठे मंत्री अभय प्रताप और उनके बाएं तरफ सेनापति जी बैठे थे, सेनापति शक्ति सिंह। महाराज तुम देखो देखो खाली हमें दिया था, आज हमने भरे रात दरबार देखा। हाँ देखो कि रात दरबार जितने समय लगा रहा महाराज सेनापति के मंत्री से भाई रियासत के बारे में पूछा। हाँ रियासत के बारे में, और सेनापति शक्ति सिंह से भाई सेना के बारे में पूछा। सेना के बारे में पूछे जब बताए दोनों जने ठीक है बताए। हाँ उसके बाद महाराज कौनो बात सेनापति का बताओ चाहते रहे। अच्छा लेकिन मंत्री के फिर वही थे मंत्री के सामने बताओ वही नहीं है। और यही बात बयान हमका दुख है, वही बात मंत्री जी बल्कि दोहरों को है कि महाराज ऐसी कौन सी बात है जो आप सेनापति को बताना चाहते हैं। भल भल मंत्री कोशिश की मगर महाराज नहीं बताए। तो कहे समय आने पर तुमको बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। यार पता नहीं कौन बात आए, कौन बात जरूर हो, कुछ महाराज के आवाज रहा थी। लेकिन हम तक उनका कहा करेगा, कुछ कहा जा रहा है। लेकिन मंत्री भाई जरूर रहा जो रहा, वही मैं जब नहीं बताए ना तो साला तरे तरे फुरत रहा है। अच्छा मंत्रिया वही बीच में महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी नैना आ गई। नैना के पापा जी हमका इजाजत थी हम चमन घूमा चाहे। अच्छा चमन जाओ तो महाराज कहे जाओ लेकिन सूरज धोने के पहले चलिए। हाँ जमाना खराब है, जमाना खराब नहीं का दिल भर साले खतरा लग जाए है ना। और भाई उसे पहले चलिए तो ठीक है यार। लेकिन यार कौन बात है हमें समझ में नहीं आ रहा, मंत्रिया कहे बड़े साला भगवत रहा है यार, यही तुम्हारी बात हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन हम लोग यहाँ के सिपाही है और यहाँ के हम कर्मचारी है, आज बात मंत्री जी से पूछा जाए कि कौन ऐसी बात है जो महाराज आपसे नहीं बतावा चाहता। नहीं यार अब लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। हाँ देखो महाबली लंबा डार का घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। हाँ Thank you.
राम बलि ठाकुर अपने प्रताप सिंह के
उसका कार्य देखो। राम बली Thank you.
भाई ये तो साहब धीरे धीरे जाग रहा, तो हम सोचा